नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं मनीष कुमार। हमारे विजुअल में आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा माँ वैष्णवी हॉस्पिटल का। आप साफ तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं माँ वैष्णवी हॉस्पिटल का बोर्ड है, जहाँ पे क्रिटिकल से क्रिटिकल मरीजों का यहाँ पे उपचार किया जाता है। और अच्छे तरीके से जो भी डॉक्टर हैं, जो भी इमरजेंसी केस है, सीधा इनसे बात कर लेंगे, इनके डायरेक्टर से, और जानेंगे कि हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है। अभी हमारे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद हैं माँ वैष्णवी हॉस्पिटल के। सीधा इनसे बात करते हैं कि इनके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ जी। मैं माँ वैष्णवी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। और हमारे यहाँ जो सुविधा है, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा है, OPD, IPD, प्लस 24 घंटे हमारे यहाँ ICU की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे हमारे यहाँ पैथोलॉजी, एम्बुलेंस, सभी डॉक्टरों द्वारा सभी प्रकार एवं रोगों का इलाज उपलब्ध है। हमारे यहाँ जनरल मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये सारी सुविधा उपलब्ध है। हड्डी संबंधित सारी बीमारियाँ, जैसे ECG हो गए, TMT हो गए, डिजिटल एक्सरे हो गया, ये सारी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाएगी, और जितने से जितना हो सके मरीज को अनकम्फर्टेबल फील ना हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी जितनी अच्छी इलाज, जितनी अच्छी हम व्यवस्था, जितनी अच्छी डॉक्टरों के साथ सब कुछ दे पाएँ, यही हमारी कोशिश रहेगी। दूसरा आपसे ये है कि आपके हॉस्पिटल में मतलब हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर बैठते हैं? हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट का हर एक स्पेशलिस्ट ही आते हैं। जैसे स्त्री में MS मास्टर ऑफ सर्जरी बुलाए जाते हैं, जनरल सर्जरी में हमारे यहाँ MSC बुला के कराए जाते हैं, बेहोशी के लिए हमारा स्पेशल डॉक्टर बेहोशी वाले आते हैं, एनेस्थेसिक डॉक्टर आते हैं, OT में सारी सुविधाएं दी जाती है, ICU की सुविधा दी जाती है, हमारे यहाँ LSCS भी होती है, कम से कम दरों पे सारे चीज़ पैकेज, दवा उवा सब। हम लोग सोचते हैं कि सारा चीज़, मरीज तो अभी कंपटीशन का बाज़ार है, कैसे हम लोग कम से कम में करके मरीज को संतुष्ट करके छोड़ दें, यही हमारी कोशिश होती है। और दूसरा आपसे यह है कि अगर दूसरे हॉस्पिटल की तुलना आप अपने हॉस्पिटल से कैसे करेंगे? जैसे केजरीवाल में अभी एक डिलीवरी, एक सीजर खर्च, गरीब से गरीब तट के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ खर्च पड़ता है अभी मान लीजिए कि दवा, रूम रेंट, सारी चीज़ को लेकर लोग कहते हैं कि 18-20 हज़ार पड़ता है। हम भी कोशिश करते हैं कि 18-20 हज़ार में दवा, रूम रेंट, सारा चीज़, ऑपरेशन का खर्च, असिस्टेंट का, OT का, सारा चीज़ का खर्च लेके 20 हज़ार में हम लोग ऑपरेशन करके 5 दिन रख के भी छोड़ देते हैं उनमें, ताकि मरीज का पैसा भी कम लगता है और अच्छा इलाज भी हो जाता है। अगर कभी इमरजेंसी केस पड़ता है तो फिर आप यहीं पे पूरा ठीक करते हैं या फिर कहीं रेफर करते हैं? देखिए, हमसे जहाँ तक बन पड़ता है, जहाँ तक हो पाते हैं, हर एक डॉक्टर हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ICU का क्रिटिकल एनेस्थेटिक डॉक्टर जो भी हैं, सब हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं 24 घंटे। हम जहाँ तक हो, वेंटिलेटर तक हम यहाँ सुविधा देते हैं, हो पाती है हम लोग करते हैं, जहाँ तक नहीं हो पाती, लगता है कि नहीं ये केस हम लोग से हैंडल नहीं होगा, तो हम लोग उसको PMCH हो गया, DMCH हो गया, बाहर जहाँ भी जाना हो, NMCH हो गया, नालंदा मेडिकल कॉलेज वगैरह, हम लोग रेफ़र कर देते हैं कि भैया अब हम लोग से जितना बन पड़ा किए, क्योंकि अभी तो समय ख़राब है ना, ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोग जानते नहीं हैं, कूद फान पहले करने लगते हैं, इसीलिए हम लोग रेफ़र कर देते हैं। क्रिटिकल से क्रिटिकल केयर का यहाँ पे मतलब इलाज होता है? हाँ, क्रिटिकल से क्रिटिकल केयर, टोटली चीज़ हम लोग एकदम ध्यान रख के, अच्छे से कम मेडिसिन खरीदवा के उसका पूरे अच्छे तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अभी जैसे कि हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के डायरेक्टर, माँ वैष्णवी हॉस्पिटल के डायरेक्टर संतोष जी, इनसे हमारी बात हुई है और विशेष बात भी इन्होंने बताया। और क्या क्या सुविधा है आपके हॉस्पिटल में? हमारे हॉस्पिटल में 24 घंटे ICU, 24 घंटे पैथोलॉजी, एम्बुलेंस, एक्सरे, जनरल वार्ड वगैरह, अच्छे से अच्छे सफाई के साथ हम लोग पूरा बंदोबस्त करके अच्छे सुविधा के साथ रखे हैं।